हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक हो ना? हाँ बाबू, मैं ठीक हूँ। कौन है वो? और कहीं वो मर तो नहीं गई? कहाँ गई वो? कृतिका, मैं नीचे देख के आता हूँ। हीरा, हीरा, साहब जी, क्या हुआ? कहाँ थे तुम? सो रहे थे? साहब जी, मैं तो जाग रहा हूँ। जागे हुए थे? वो लड़की अंदर कैसे घुसाई? कौन सी लड़की साहब? हमारे घर में एक लड़की घुसाई। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से सनी की जान जा सकती थी, तुम्हें पता है? साहब जी, मैं तो गेट पे था और अंदर कोई आया भी नहीं, और गेट पे तो ताला लगा हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं, वो देखिए। और साहब जी, गेट की बाउंड्री इतनी ऊंची है, कोई कूद के अंदर आ भी नहीं सकता। वो हवा में थोड़ी उड़ गई, यहीं कहीं छिपी होगी। आनंद, आनंद चलो यहाँ से, मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकती। इतनी रात तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मार देगी मुझे, अब चलो यहाँ से। ठीक है बेटा, यहाँ से चलते हैं, किसी होटल में ठहरते हैं। आनंद, तुमने होटल तो बुक कर लिया है ना? हाँ, बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। सनी बेटा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मम्मी। बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन वो कौन थी पापा, और मुझे मारना क्यों चाहती थी? पता नहीं बेटा, लेकिन वो अब यहाँ नहीं आ सकती। तुम जल्दी से सो जाओ, होटल आते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी। अनुज, तुम बताओ मैं क्या करूं?
या तो तुम अपने काम में बिजी होते हो या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। और गलती से अगर तुम उसे मिलने आ भी गए तो लग जाते हो अपने दोस्तों के साथ फोन पे। अरुष तुम्हें पता है ना मुझे, अनुज, अनुज क्या हुआ? मैं तब से बकबक किए जा रही हूँ और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे रहो तुम। प्रीति प्लीज रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? प्रीति प्लीज प्लीज रुक जाओ। अंकल मेरी मम्मी पापा को बचा लो अंकल। क्या हुआ बेटा तुम्हारे मम्मी पापा को? वो औरत उन्हें मार डालेगी। कौन औरत बेटा? वो अनुज। मम्मी पापा बेटा रुक जाओ। रुको बेटा, कहाँ गया वो? पता नहीं किधर गया, शायद इसके मम्मी पापा किसी खतरे में, हमें सीआईडी को कॉल करना चाहिए। कहाँ है बच्चा? कहाँ है? वो बच्चा मुझसे मदद मांग रहा था सर, लेकिन प्रीति को देखते ही वो भाग गया सर। बच्चा देख के भाग गया? शक्ल तो इतनी डरावनी है नहीं इनकी। एक्सक्यूज मी, क्या क्या लगता है क्यों क्यों भागा था वो बच्चा? पता नहीं सर, लेकिन बच्चे की हालत ठीक नहीं थी सर, और बार बार मम्मी पापा चिल्ला रहा था सर वो। ठीक है प्रीति, आप यहीं रुकिए। जी। इस तरफ था बच्चा? इस तरफ। रेडी सर, जरा संभालना यहाँ पे, टाइगर वाइगर बहुत घूमते हैं यहाँ पे। तू अपनी फिक्र कर पंकज, मैं शेर चीता हाथी सबसे निपट चुका हूँ। निपट चुके हो? अबे निपट नहीं, निपट चुका हूँ मैं, सबसे निपट चुका हूँ। सर वो लड़के को मैंने यही देखा था सर। यहाँ पे? यस सर। आसपास चेक करो, इधर देखो। रेडी पंकज, इधर आओ सब लोग। पंकज लगता है बच्चा उस तरफ। पंकज हिलना मत, हिलना मत, रुको। पंकज हिलना नहीं, हिलो मत। टाइगर, टाइगर, टाइगर नहीं है बच्चा है, हिलो मत। टाइगर, टाइगर, टाइगर नहीं है बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। कुछ मत करो मुझे, मुझे जाने दो। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा, वही बता। ओके पी लो, हाँ पानी पियो। गुड बॉय, गुड बॉय। अच्छा आप ये बताइए क्या नाम है आपका? सनी। सनी, अरे वाह, बहुत ही प्यारा नाम है। अच्छा सनी आप ये बताओ कि क्या हुआ आपके मम्मी पापा के साथ, कौन मारना चाहता था उनको?
खुली तब मेरे मम्मी पापा नहीं थे। मैंने खूब ढूंढा, खूब आवाज लगाए, मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा। मम्मी पापा कहाँ हो आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने पूरी रात जंगल में ढूंढा लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं मिले। अंकल मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए? नहीं घबराओ नहीं बेटा, तुम बहादुर बच्चे हो ना, बहादुर बच्चे रोते नहीं है, है? चुप हो जाओ, हम तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? अंकल वो औरत मेरे मम्मी पापा को मार देगी, उसके हाथ में चाकू था। वो कुछ नहीं करेगी बेटा, अगर उसके हाथ में चाकू है ना तो हमारे हाथ में बंदूक और बंदूक, हम लोग उसे पकड़ लेंगे। अच्छा बताओ सनी कि क्या नाम है आपके मम्मी पापा का? पापा का नाम आनंद कुमार है और मम्मी का नाम कृतिका है। वेरी गुड। अच्छा तुम्हें याद है ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं रास्ता भूल गया। ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको आपका एड्रेस मालूम है? हाँ याद है। क्या है? एड्रेस है 55 ग्रीन पार्क रोड नियर प्लूटोनियम नेशनल फॉरेस्ट। वेरी गुड, हम लोग देखते हैं। आपको भूख लगी है ना? वेरी गुड। यार खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अपने बिस्किट निकालो ना, बच्चा भूखा है ना। ये जंगल भी नेशनल फॉरेस्ट का ही हिस्सा है। सनी के घर से इस जंगल के आने वाले रास्ते पे ही हुआ होगा एक्सीडेंट, वहीं से पता चल सकता है इसके मम्मी पापा का कोई सुराग। यहाँ पे रुको 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 रुको, अंकल अंकल यही है वो कार। मैं मम्मी पापा कैसे मिलेंगे? हम आपके मम्मी पापा को ढूंढ लेंगे, हैं? तब तक आप इशिता दीदी के साथ रहिए, हैं? इशिता। स्टीयरिंग व्हील पे खून लगा हुआ है, तो एक्सीडेंट के बाद सर टकराया है इस पे। हैंडल पे भी खून है। चोट लगने के बाद ये दरवाजा खोल के वो बाहर निकला होगा। यहाँ पे भी खून से सने हुए उंगलियों के निशान है। तो यहाँ से निकल के कृतिका की तरफ जा रहा होगा, तो यहाँ हाथ रखा होगा सारे के लिए। सर खून दूसरे दरवाजे के हैंडल पे भी, खून के निशान यहाँ भी है सर। वहां से आया, ये दरवाजा खोला और यहाँ से शायद कृतिका को बाहर निकाला होगा। सर मगर सनी को अकेले गाड़ी में बैठा के वो दोनों गए कहाँ? ये तो खून के निशान इस तरफ जा रहे हैं, देखो यहाँ तक तो खून के निशान है मगर आगे नहीं दिख रहे। इस तरफ तो खून दिख नहीं रहा है, खून सिर्फ यहाँ रोड पे ही है। ये तो पक्का हो गया कि वो लोग जंगल की तरफ तो नहीं गए। तो फिर वो दोनों यहाँ से गायब कैसे हो गए? गायब हुए नहीं है फ्रेडी, गायब कर दिया गया है, शायद उस औरत ने किया है। सर आप बताइए इतने ऊपर से कोई नीचे गिरेगा तो आवाज तो आनी चाहिए ना। सर उसे चोट भी लगी होगी। एक काम करो, क्या नीचे चेक करो जहाँ पे औरत गिरी है, शायद कोई सुराग मिल जाए। जरा ऊपर कमरा दिखाना वो। जी सर आइए आइए। हाथ मत लगाना चाकू को। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे? मेरा नाम राकेश है, पड़ोसी हूँ आनंद का।
जैसे मैंने सुना यहाँ कोई हादसा हो गया तो भागकर यहाँ चला आया। सर इन्हें मैंने बुलाया है, आनंद सर के ये बहुत अच्छे दोस्त है। ठीक है आप दोनों कमरे के बाहर खड़े हो जाइए। तो ये देखिए चद्दर और मैट्रेस दोनों कटे हुए हैं। फिर सनी कह रहा था कि उस औरत के हाथ में चाकू था। ये वो चाकू होगा। निखिल कुछ मिला? नहीं सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो औरत यहाँ इस खिड़की से नीचे गिरी है तो कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर मिलना चाहिए यहाँ पे। तो वहां पर कुछ है देखना पड़ेगा क्या है। ऊपर कपड़े का टुकड़ा है, खून लगा हुआ है इस पे। लगता उसी औरत का जो यहां से गिरी। लंबे लंबे बाल थे, उड़ रहे थे। उसके हाथ में ना इधर स्टार भी था। यही थी वो। ये रहा स्केच। आइए जरा इधर। अब ध्यान से देखिए इस स्केच को, इस औरत को। क्या आपने इस औरत को कभी देखा है आनंद के घर आते जाते हुए? नहीं सर। और आपने? मैंने भी इसे कभी नहीं देखा। ठीक है जा सकते हो तुम लोग। थैंक यू। जी सर। सचिन ये स्केच सारे टीवी चैनल्स और अखबारों में भेज दो, फिर देखना कैसे बिल से बाहर निकल कर आती है ये औरत। तुमने मुझे, लेकिन तुम मुझसे घबरा क्यों गई? मैं कोई ऐसे पीछे से आएगा तो तुम भी डर जाओगी। आओ। अब क्या हुआ? थोड़ा सा लग गया। ये सब क्या हो रहा है श्रुति? क्या चल रहा है? तुम्हारा इस तरह से चौंकना और तुम्हारे चेहरे पर ये थकान, कहीं तुमने फिर से नींद में चलना शुरू तो नहीं कर दिया है ना? नहीं नहीं तो क्या? नहीं तो मैंने कल ही तुम्हें नींद में चलते हुए देखा है। देख पाए? थोड़ी थक गई हूँ, दवाई ले लूंगी ठीक हो जाऊंगी। श्रुति ये हाँ मनीषा क्या Thank you.
पर जिस लड़की की स्केच आप देख रहे हो ये बहुत ही खतरनाक है। अगर आप में से किसी ने भी इस लड़की को देखा हो तो तुरंत सीआईडी को कॉन्टैक्ट करें। सनी देखो बेटा, अभी यहाँ पर एक लड़की आएगी, तुम्हें उस लड़की को ध्यान से देखना है और हमें बताना है कि क्या तुमने उस लड़की को पहले कभी देखा है क्या। ठीक है, चल दे। घबराओ नहीं बेटा, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, हम लोग हैं ना। सनी नहीं अंकल, मुझे यहाँ से ले चलो, ये मुझे मार डालेगी। घबराओ नहीं बेटा, सनी तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, किसी की मजाल है तुम्हें हाथ लगाने की, हम लोग हैं ना। बताओ क्या ये लड़की तुम्हारे घर उस रात आई थी तुम्हें मारने के लिए? बताओ, गई थी इनके घर उस रात इस बच्चे को मारने के लिए? क्यों मारना चाहती थी तुम इस बच्चे को? सर मैं इस बच्चे को पहचानती तक नहीं हूँ, फिर मैं भला इस बच्चे को क्यों मारना चाहूंगी? इन्हें तो पहचानती हो ना तुम? नहीं सर, परसों रात 1 बजे तुम मलाडन के घर गई थी ना? नहीं सर, मैं तो अपने घर पे ही थी। तुम तो इसकी रूममेट हो ना? जी। तुम्हें तो पता होना चाहिए ये घर से कब निकलती है और कब वापस आती है। नहीं सर, मुझे नहीं पता। श्रुति, परसों तुम्हारे शरीर पे कोई चोट या खरोच लगी थी? जब मैं वहां गई ही नहीं तो मुझे चोट कहां से आएगी? लगता है इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। हर सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, गई नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। श्रेया पूर्वी, जरा इन्हें याद दिला। चलो चलो। सचिन, सनी को बाहर ले जाओ, अपने दूसरे कमरे में बिठाओ, चॉकलेट खिलाओ। चॉकलेट खाओगे आइसक्रीम? बोलो। क्या किया तूने परसों रात? बताती हो या फिर? मुझे बस इतना याद है कि मैं सिर्फ घर पे ही थी। तुम्हें याद आया कि श्रुति घर कब वापस आई थी? 9:30 बजे। झूठ, सच बोलती हो या? प्लीज प्लीज इसे कुछ मत कीजिए, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। तो दोष किसका है? तुम्हारा? ये सच कह रही है, इसे कुछ याद नहीं होगा। क्यों क्यों याद नहीं होगा? क्योंकि सर इसे नींद में चलने की बीमारी है। क्या? हाँ सर, और इसका इलाज भी चल रहा है। हाँ सर, ये रही दवाई सर। चलो मान लिया कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन एक बात तो पक्की है, तुम उस रात आनंद के घर गई थी और सनी पर हमला करने की कोशिश की। ये बाहर तो गई थी क्योंकि मैंने इसे रात में घर आते हुए देखा था। ढाई बजे। सचिन, सनी को लेकर आ। सर इसका मतलब ये नींद में आनंद के घर गई और वहाँ उन लोगों पर अटैक किया? सर शायद इसे वहाँ पर चोट भी लगी होगी क्योंकि मैंने इसके पेट पर छिल्ले का निशान देखा है। तुम्हारे हाथ पर स्टार का टैटू है?
जी। सर फॉरेंसिक से पता चला है कि चाकू पे जो उंगलियों के निशान थे वो कोई और नहीं श्रुति है सर। सुन लिया? इसका मतलब है कि तुम उस रात आनंद के घर गई थी और तुमने सनी पर हमला करने की कोशिश भी की, मगर तुम्हें याद नहीं ना, नींद में चलने की बीमारी जो है तुम, लेकिन हम तुम्हें याद दिला देंगे। श्रेया इसे आनंद के घर ले जाओ, देखना जरूर कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा। शायद यही लड़की है वो। कुछ याद आया? क्या हम याद दिलाएं? मैं इस घर को जानती हूँ। आप तो कह रही थी आप इस घर में पहले कभी नहीं आई। हाँ मैं यहाँ पे आई नहीं हूँ, पर कल रात मैंने सपने में इस घर को देखा था। क्या बकवास है ये? कभी कहती हो नींद में चलने की बीमारी है, कभी कहती हो इस घर को सपने में देखा था, सच क्या है? दोनों बात सच है, मुझे नींद में चलने की बीमारी है, पर कल रात मैंने इस घर को सपने में भी देखा था। मैडम, मैडम जी आप अंदर कैसे आ गए? मैंने आपको आते देखा ही नहीं। इस घर में अंदर आने के लिए एक और रास्ता है। चलिए दिखाइए कहाँ है वो दूसरा रास्ता। सर सपने में मैं इधर से गई थी। यहाँ से? हे भगवान, मैं इतने सालों से इस घर में काम कर रहा हूँ, मुझे इस रास्ते का पता ही नहीं था। आप अंदर कैसे गए? हाँ सर, दरवाजे के पास तीसरे फ्लावर पॉट के नीचे एक चाबी है। सर सच बोल रही है, चाबी मिल गई। ये कैसा सपना है सर जो इतना सच हो सकता है? कोई सपना अपना नहीं है, ये सब ड्रामा है। तुम यहाँ आई थी और तुमने सनी को जान से मारने की कोशिश की। नहीं सर, मैं भला किसी को क्यों मारूंगी? झूठ पे झूठ बोल जा रही हैं आप। नींद में चलकर कोई इतनी आसानी से तुम्हारे घर अंधेरी से चलकर यहाँ मलाड तक नहीं आ सकता। क्योंकि यहाँ आने के लिए किसी को टैक्सी या ऑटो लेना पड़ता, ड्राइवर से बात करनी पड़ती, उसे पैसे देने पड़ते, जो नींद में पॉसिबल नहीं है। देखिए देखिए प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को कोई खून नहीं किया है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, किस बात का यकीन करें? मुझे नींद में चलने की बीमारी है, आप चाहिए तो मेरे डॉक्टर से पूछ लीजिए। सर श्रुति सच में स्लीप वॉकिंग की पेशेंट है, मैं इसका पिछले 2 साल से इलाज कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जिसे नींद में चलने की बीमारी है क्या वो इंसान अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी तक जाएगा? एक घर तक, क्या ये मुमकिन है? देखिए सर, ऑर्डिनरी स्लीप वॉकिंग में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हिप्नोटिक सजेशन से ये पॉसिबल हो सकता है। हिप्नोटिक सजेशन? जी, जिसमें मरीज को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में वो सारी बातें भर दी जाएं जो उससे करवानी है। हिप्नोटिक सजेशन? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई है श्रुति की इस बीमारी का फायदा उठा रहा है? सर वो आदमी सनी के परिवार और उसके घर के बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। हाँ श्रुति, एक बात बताओ, क्या तुम्हें याद है किसने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था? हाँ? नहीं सर। चलो ठीक है, उस सपने के बारे में बताओ जो तुमने देखा था, जिसमें तुमने आनंद और कृतिका को देखा, क्या क्या हुआ था उनके साथ? सर ज्यादा कुछ याद नहीं है, सिर्फ एक व्हाइट कलर की वैन याद आ रही और कुछ नहीं। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि श्रुति रात को ही क्यों गई वहां पर? सर किसी ने ट्रिगर किया होगा, एक ऐसा एक्शन जिससे ये हिप्नोटिक ट्रांस में चली गई हो। ट्रिगर? हिप्नोटिक ट्रांस? ट्रिगर? पहले एक बात बताओ, श्रुति जब घर लौटी रात को 2:30 बजे, तब क्या कपड़े पहने थे उसने?
सर इसे तो बस अपनी नाइट ड्रेस ही पहनी थी। नाइट ड्रेस में ट्रिगर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ट्रिगर श्रुति के बेडरूम में ही हो? जा काम करो, तू बुरदया जाकर अच्छी तरह से छान मारो इसका कमरा, देखो वहीं पर कोई ना कोई ट्रिगर तो जरूर होगा। चलिए सर। आनंद और कृतिका का कोई सुराग नहीं मिला है। पूर्वी वॉचमैन ने हमें बताया कि आनंद, कृतिका और सनी अपने घर से रात को 1:30 बजे निकले। उनका घर एक्सीडेंट स्पॉट से आधे घंटे की दूरी पर है, मतलब एक्सीडेंट 2 बजे हुआ। और सर ये पायल कह रही थी ना कि श्रुति रात को 2:30 बजे घर लौटी, और एक्सीडेंट वाली जगह से इसके घर की दूरी आधे घंटे की। श्रुति एक्सीडेंट के बाद सीधे अपने घर लौटी, और सनी ने हमें बताया कि जब उसकी आंखें खुली तब वहां पर उसने ना आनंद को देखा ना कृतिका को। तो अगर श्रुति ने आनंद और कृतिका को नहीं छुपाया तो फिर किसने? कोई और है जो आनंद और कृतिका को वहां से ले गया है। सर सर पूरा घर चेक कर लिया, लेकिन कहीं ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे ट्रिगर हो सकता है। वो ट्रिगर इसी घर में कहीं है, मगर हमारे नजर में नहीं आ रहा। वो कुछ भी हो सकता है, कोई साधारण सी चीज या फिर कोई डेली यूज करने वाली चीज। आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कोई आवाज आती हो? मैम डोरबेल, अलार्म क्लॉक, माइक्रोवेव और फोन्स। फोन से पायल को फोन लगा। मैं यहां कैसे आ गई? हिप्नोटाइज हो गए थे तुम। इसका मतलब है पायल का ये फोन, इसका रिंगर, ये ट्रिगर है। और पायल का कमरा श्रुति के कमरे के एकदम पास है। हाँ सर। ओह, जिस रात श्रुति नींद के हालत में घर से बाहर निकली थी उस रात आपको 2 कॉल्स आए थे, एक रात 12:30 बजे और दूसरा 2:35 पर। क्यों? हाँ सर, मन्नू का कॉल आया था। मन्नू का? पहला कॉल आया था श्रुति को ट्रांस में ले जाने के लिए, और दूसरा कॉल तब किया गया जब ये कमरे में वापस आ गई ट्रांस से बाहर लाने के लिए। कौन है ये मनु? सर हमारा इलेक्ट्रिशियन है। क्या उसके पास एक व्हाइट वैन भी है? जी। इलेक्ट्रिशियन मनु। इलेक्ट्रिशियन का मोबाइल यही पे ट्रेस हुआ सर। आनंद और कृतिका? माय गॉड, आनंद, आनंद, माय गॉड, आनंद तो मर चुका। लगता है एक्सीडेंट के बाद दोनों को यहां लाया गया और फिर यहां लाकर गोली मार दी इन दोनों को। आसपास अच्छी तरह से देखो, जिसने भी ये किया है शायद यहीं पर हो। देख पीछे मुड़ कर मेरी तरफ आ। मेरा नाम राकेश, पड़ोसी हूं आनंद का। ओह,
पड़ोसी बनकर आए थे ना तुम, इलेक्ट्रिशियन मन्नू। अच्छा लो अपनी गन मुझे दे दो, हाथ ऊपर कर। सर ये तो मर चुका है। सर इसने अपने आप को गोली मार दी। हाथ ऊपर कर, जैसे हाथ ऊपर करने कहा उसने, हाथ ऊपर किया और अपने आप को, यही तो ट्रिगर था, हाथ ऊपर कर। सर अब तक तो हम सोच रहे थे कि ये सारा किया धरा मनु का है, पर अब लगता है कि सबके पीछे कोई और ही है। तो सर ये जो कोई भी है बहुत चालाक है, अपने पीछे कोई भी सबूत या गवाह नहीं छोड़ता। इस जगह का एक एक कोना छान मारो, एक एक इंच देखो। सचिन खून, सचिन आनंद और कृतिका को तो वहीं पर बैठे बैठे गोली मार दी है, उनका खून तो वहीं पे गिरा हुआ है, और फिर वो इलेक्ट्रिशियन, उसके शरीर पर तो कोई खरोंच का निशान भी नहीं। ये खून किसका है, ये खून किसका है? जरूर उसी का जिसने ये सब करवाया है। मैंने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है, अब आप इससे जो सवाल पूछेंगे ये उनका जवाब दे सकती है। ये पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन में कब आएगी? मैंने इसके फोन के रिंगटोन को ट्रिगर के तौर पे सेट कर दिया है, और अगर फिर से इसका ट्रिगर रिंग बजेगा तो ट्रांस में से वापस आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये तो हिप्नोटाइज हो गई। डॉक्टर प्रकाश ने तुम्हें क्या करने के लिए कहा है? इस बिल्डिंग के छत से नीचे क्लू जाने को। क्या? नहीं, ये श्रुति। माय गॉड, इन सब के पीछे वो डॉक्टर है। पकड़ो उसे जरा। सर, डॉक्टर ने खुद खुशी का सजेशन देकर अपना अगली सबूत मिटा दिया। श्रुति को रोकना होगा। नीचे इंतजाम करो जल्दी। श्रुति रुक जा, जरा भी आगे बढ़ोगी तो गिर जाओगी तुम। अच्छा ठीक है, कूद जा। कूदो। श्रुति सोचो मत, कूद जाओ। रुक क्यों गई श्रुति? तुम तो हिप्नोटाइज हो ना, कूदो। तुम हिप्नोटाइज थी ही नहीं, हिप्नोटाइज होने का नाटक किया था तुमने। हमने बस डॉक्टर को कहा था कि तुम्हें हिप्नोटाइज करने का नाटक करे। अब सबको ये पता कैसे चला? ये सब मैं कर रही थी। आनंद और कृतिका की लाश जहां हमें मिली थी, वहां से थोड़ी दूर पे हमें खून की एक बूंद मिली थी, वो खून तुम्हारा था। हाँ, मैंने खुद को बचाने के लिए ये सब किया, ताकि अगर आप लोगों को
मेरा आनंद के घर पे जाने का सबूत भी मिल जाए पर खून करने का कोई सबूत ना मिले। मगर उस खिड़की से गिर के तुम बच कैसे गए? कहाँ गायब हो गए? उस रात जब मैं खिड़की से गिरी फिर वहां मैंने आनंद और कृतिका को बात करते हुए सुना। हम यहां से चलते हैं, किसी होटल में रुकेंगे। टाइम पे पहुंच जाना। लेकिन ये सब किया क्यों तुमने? क्योंकि आनंद ने मेरे मम्मी पापा को हिप्नोटाइज करके उनकी सारी प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करवा लिया। उस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाए मम्मी पापा और उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसीलिए मैंने उन लोगों के साथ ये सुलूक किया। गुनाह कितनी भी चालाकी से किया जाए वो छिपता नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे, मैं मर जाऊंगी पर तुम लोगों के हाथ नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं श्रुति। बस बोला था ना कूदने का कोई फायदा नहीं है। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जीना, छोड़ो। जो गुनाह तुमने किए हैं उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ले जाओ इसे। चलो। अच्छा सुनिए बेटा, आ जाओ आ जाओ। सर अब इस सनी का क्या होगा? ये सनी का ख्याल अब हम लोग रखेंगे, है ना? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.